हाय निकी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन डॉली और ये तुम्हारी वीडियो डायरी का एक और नया दिन। अपना कैमरा बंद करो डॉली और नाश्ता खाओ। एक मिनट निकी, ये भौंकने की आवाज़ सुन रही हो? भभौ भभौ, ये हमारी रोली आंटी का नया कुत्ता है। भौंक भौंक के इसने हमारे रातों की नींद उड़ा दी है। एक बार ये कुत्ता मेरे हाथ आए मैं तो उसे सुनाई नहीं देता। नाश्ता खाओ। सुनाई दिया था मम्मी, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ के बीच में आपकी आवाज़ भी सुनाई दी थी। बोला ना, एक मिनट में नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ठीक है तो मैं उसे गर्म कर लूंगी, नहीं तो उसे कुत्ते को खिला दूंगी। अरे ये कैसे हुआ? इसमें एक सरप्राइज होना चाहिए। सरप्राइज कैसे होगा रोहन? तुमने वो कल ही निकाल लिया था, याद है? नहीं, मैंने निकाल के फिर से इसमें वापस डाल दिया ताकि आज फिर से मुझे एक सरप्राइज मिल सके। कहाँ गया? सुनिए, जल्दी आइए, खाना ठंडा हो रहा है। अरे कोई मुझे एक मिनट के लिए चैन लेने देगा कि नहीं? अब तुझ पे कौन सी आफत टूट पड़ी है? क्यों पीट रहा है उसे? इतना टाइम लगा रहा है, मुझे तो याद भी नहीं इसके अंदर मैंने डाला क्या था। हाँ, हाँ, निकी बेटा, मम्मी आपका भी ब्रेकफास्ट ला रही है, ओके? आज तो सब, यहाँ तक कि निकी भी महाभारत के मूड में है। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। मेरा बाप, आज आप सुबह सुबह कुछ भूल नहीं रहे हो? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग हिमानी, तुम कैसी हो? मैं तो सारी रात सो नहीं सका इसलिए मैं ठीक नहीं हूँ। वो तो दिख रहा है, आधी शेव की हुई है। क्या हुआ? मैंने फैसला किया है कि मैं आज से ऐसे ही रहूँ। तुम अपने बाल तो देखो, ऐसे लग रहा है कि जैसे घोड़े की पूंछ हो। आज आपकी खैर नहीं। मजाक कर रहा हूँ, इस कुत्ते ने मेरा दिमाग खाया हुआ है। मम्मी पापा, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भाई तो कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी हैप्पी, बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ नया। थाम दीदी कहा चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। सनी बर्गर। हाँ, वो कुत्ता इस बर्गर को खाने के लिए इसके अंदर घुसेगा और ये पिंजरा बंद हो जाएगा। हाय, ये क्या है? उस कुत्ते से अपनी जान छुड़ाने का तरीका। अरे जीना मुश्किल कर दिया उस कुत्ते ने। हाय, पर ये तो गलत है ना। हाय बाप, ये क्या है पापा? कुत्ते को पकड़ने का प्लान है डॉली। देखो जी, ये ठीक नहीं है। हमें रोली आंटी से ना ये सारी बातें प्यार से करनी चाहिए। मॉम, हो क्या गया आपको? रोली आंटी से प्यार से बात? तू चुप कर। प्यार से कौन नहीं मानता, हम सारे मान जाते हैं ना। आज शाम को ना हमें उन्हें चाय पर बुलाना चाहिए और मैं कुछ खास बनाती हूँ, समोसे और गोभी के पराठे। हाँ, फिर तो हो गए गड़बड़। देखो जी, रोली आंटी हमारी पड़ोसी हैं, हमारी बुजुर्ग हैं, हमसे बड़ी हैं, हमें उनके साथ है ना प्यार से ही पेश आना चाहिए। तो फिर एक काम करो, अपने उन समोसों और गोभी के परोठों के साथ ये बर्गर भी उन्हीं को। क्या हुआ? लो भाई, समोसा तो मैंने खा लिया, अब बताइए क्या चाहिए आपको मुझसे? आप गलत समझ रही हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हम तो बस अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहे हैं। ओए, अब क्या किया इस शैतान ने? कुछ नहीं किया रोली आंटी। ओए मेरी बात सुन ले, तू कुछ करे या ना करे, बट टेलिंग यू आई दैट आई डज नॉट लाइक्स यू। यस, बट आई लाइक्स यू लॉट रोली आंटी। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। भगवान करे कि आप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मेरा मतलब है कि आपकी हर तकलीफ खत्म हो जाए। सनी, दफा। रोली आंटी, मैंने सुना है आपने एक नया डॉगी लिया है, व्हाइट कलर का, क्यूट सा। उसे क्या कहते हैं डॉली? पमेरियन। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। हाँ जी, नहीं हिमानी जी, वैसे ना उस डॉगी का एक नाम भी है, टाइगर। टाइगर चूहे जैसा कुत्ता और नाम शेर जैसा, टाइगर। रोली आंटी, आप समोसा लेंगी एक और? नो थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। अरे बात दरअसल ये है कि आपका जो वो कुत्ता टाइगर है ना, जो उसे एक आदत है भौंकने की, रात रात भर परेशान हो जाते हैं। अगर आप उसे रात को घर के अंदर रखें तो? नो, हमारे टाइगर को ना ताजा ताजा हवा बड़ी अच्छी लगती है, और इंसानों को नींद बड़ी अच्छी लगती है ना, है ना? अवतार जी, वैसे विचार तो मेरा भी यही है। वो क्या है ना, जब आपके घर में एक के बाद एक बच्चे पैदा हो रहे थे, तो रात रात भर रो रो के और पड़ोसियों समेत सबकी नींदें खराब करते थे ना, उस वक्त मैं भी यही सोचती थी कि भाई नींद जो है इंसानों के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है। आंटी, हम बातचीत आपके टाइगर तक ही रखते हैं ना। ठीक है भाई, ठीक है, जब पड़ोसी होने के नाते सुख दुख बांटने की बात हो रही है, तो फिर मैं भी कुछ बोलूं? सनी को हम बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर आप टाइगर का कुछ इंतजाम कर ले तो हम सनी को कहीं और भेजने के बारे में सोच सकते हैं। अब मैं कुछ बोलूं? वो ऐसा है जी कि आपके घर का ये जो पीपल का पेड़ है ना, है अवतार जी, इसने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। और इस पेड़ की इतनी मोटी टहनी के सारे सूखे पत्ते मेरे आंगन में आकर गिर जाते हैं और मेरे आंगन को गंदा कर देते हैं जी। अगर मतलब इस पेड़ को हटा दो तो? हाँ तो ठीक है ना, आप अपने टाइगर को घर के अंदर रखो और मैं इस टहनी को काट देता हूँ, सिंपल। लेकिन पापा, इस टहनी पे हमारा ट्री हाउस है। अरे तो क्या हुआ, कोई गया ही नहीं इतने सालों से वहाँ पे। ओ, मैं तो कहती हूँ अवतार जी, ये ट्री हाउस ही सारी मुसीबत की जड़ है। ओ, इसकी वजह से मेरे आंगन में धूप नहीं आती। हाँ देखो ना, धूप नहीं आती और मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे और खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। और मैं तो कहती हूँ जी, इस ट्री हाउस को हटा ही दो। ठीक है, आप टाइगर को निपटाओ, मैं इस ट्री हाउस को हटाता हूँ। सौदा मंजूर? मंजूर। एक मिनट, तो फिर हम सनी को बोर्डिंग स्कूल भेजे कि नहीं? एक बार ये ट्री हाउस हट गया ना, तो मेरे घर के आंगन में भर के रोशनी आएगी, धूप आएगी है, और मैं ताजा ताजा सब्जियां खाकर 100 साल, पूरे 100 साल जीऊंगी। रोली आंटी, आप समोसे लेकर जाएंगी? मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अरे रोली आंटी चली गई, उन्होंने तो मुझे झोपड़ी भी नहीं दी। चलो अच्छा हुआ, आप कम से कम चैन की नींद तो मिलेगी। पर पापा, आप हमारा ट्री हाउस काट देंगे? हम लोग का कोई ट्री हाउस भी है? अरे लल्लू, तुझे मालूम नहीं है, मैं और डॉली तो हर समय उसी ट्री हाउस पे खेलते रहते थे, बहुत मजा आता था। अच्छा, तुम दोनों हमेशा वहाँ पर जाके झगड़ा किया करते थे। हमारा एक ट्री हाउस है और अभी तक किसी ने मुझे बताया भी नहीं। अरे बेटा, हम एक बार गोवा गए थे, वहाँ पर देखा था, तो वैसे का वैसा हमने यहाँ पर बनवा लिया। क्या आप लोग गोवा भी गए थे? गोवा क्या, हम तो डिज्नीलैंड भी गए थे। पहले हंसी खुशी रहते थे, बहुत मजा आता था। तब तो रोली आंटी भी खुश रहा करती थी। फिर क्या हुआ? फिर तुम पैदा हो गए। हमारा प्यारा सा ट्री हाउस। ये छोटे छोटे बर्तन है ना, इसमें हम खाना बनाया करते थे। और ये देखो लूडो, ये कैरम बोर्ड, इतने सारे टॉयज। और पता है बंदूकों में ना रोहन की उंगली हमेशा फंस जाती थी, फिर वो मेरे पास आता था। डॉली कितने साल हो गए इसे देखे हुए। देखो इतने सालों में इसके साथ बड़ा बुरा हुआ नहीं? पता है कि मेरी फेवरेट डॉल थी, मैं इसके बाल बनाती, इससे खेलती, मस्ती करती, इससे नहलाती, बिल्कुल एक बच्चे की तरह पालती थी। अपने बच्ची को 10 साल के लिए यही भूल गई? मम्मी हो तुम। आर लव्स जीजे। रोहन ये जीजे कौन सी लड़की थी? जीजे लड़की नहीं, जीजे मतलब गुलाब जामुन। सारे लड़कियों से कहीं बेहतर। क्या दिन थे वो। रोहन सोचो, निकी ट्री हाउस को कभी नहीं देख पाएगी, इसमें हमारा सारा बचपन बीता है। हाँ ये तो है, वैसे अगर निकी से देखती ना तो बहुत खुश होती। पता है हमें इस ट्री हाउस को बचाना होगा निकी के लिए। लेकिन अब क्या फायदा डॉली, रोली आंटी और पापा में समझौता हो चुका है। समझौता उनके बीच हुआ है, हमारे बीच नहीं। डॉली, रोहन, नीचे आ जाओ। रुको पापा, हमने सोच लिया है, हम इस ट्री हाउस को तोड़ना नहीं चाहते। हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन अब इस सबका क्या फायदा? कल तुम्हारे सामने ही बात हुई थी ना। हाँ पापा हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी बात का फैसला आप बिना किसी की राय लिए कैसे ले सकते हो? आपको सबका वोट लेना चाहिए। आगे बढ़ो डॉली, मैं तुम्हारे साथ हूं। वोट? ये कोई प्रजातंत्र नहीं है, यहाँ मेरा राज चलता है और जिसके कुल्हाड़ी उसकी भैंस। अब तुम सीधी तरह नीचे आ जाओ। नहीं, हम नहीं आएंगे। ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे। नहीं? तुम मुझे नहीं कह रहे हो? मुझे नहीं कह रहे हो? डॉली नीचे आ जाओ वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। नहीं, हम नीचे नहीं आएंगे। हम आपके इस जुल्म का विरोध करते हैं। आपके इस अत्याचार को नहीं सहेंगे। ये ट्री हाउस हमारा हक है। हाँ, हम तानाशाही शक्तियों से लड़ेंगे। बगावत, खून की नदियां, बुला लो अपने सिपाहियों को। देखो बच्चों, अब मेरा पारा चढ़ता जा रहा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। नीचे आ जाओ। पापा अब सोचो ना, ये ट्री हाउस हमारा सपना है, हम इसे कैसे टूटने दें? आप चाहे कुछ भी कर लो, हम नीचे नहीं आएंगे। बिल्कुल पापा, गांधी जी और भगत सिंह की तरह हम भी सत्याग्रह करेंगे। ओहो, तुम्हारे इस सत्याग्रह की अभी हवा निकालता हूं मैं। अब मैं बुलाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री को, तुम्हारी मम्मी को। जाओ जाओ, हम नहीं डरते मम्मी से। बुला लो बुला लो। मम्मी आ रही, अब तुम गए। हिमानी तुम अपने बच्चों को समझाओ, अभी के अभी जाओ और उन्हें ट्री हाउस से नीचे उतारो। जब भी कोई गलती होती है तो बच्चे मेरे कैसे हो जाते हैं? अब हुआ क्या है? सत्याग्रह कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम ट्री हाउस को टूटने नहीं देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं वो। ध्यान रखो जी, आप ही के बच्चे हैं वो। बच्चे हैं तो मैं भी बाप हूं उनका, तो मेरी बात मानने से कैसे इनकार कर सकते हैं वो? आखिर मैं मालिक हूं इस घर का, मतलब तुम्हारे बाप। हमारे बच्चे हैं, हम जानते हैं वो कैसे। डॉली और रोहन तो 1 मिनट साथ नहीं टिक सकते, सत्याग्रह क्या करेंगे? लड़ झगड़ कर अभी आते होंगे। जैसे वो आएंगे मैं उन्हें बगावत की सजा दूंगा। मतलब अगर तुम्हें मंजूर हो तो। क्या डॉली, मैं तो थक गया। और कितनी देर रुकना पड़ेगा? रोहन हमें आए सिर्फ 13 मिनट हुए हैं। अगर मुझे पता होता कि हम सत्याग्रह करने वाले हैं तो मैं तैयारी करके आता और लस्सी भी 1 ग्लास कम पीता। जाके बाथरूम में क्या ओ रोहन, अब सिर्फ एक बात पे ध्यान दो कि हम ये ट्रियास कैसे बचाएंगे निकी के लिए। लेकिन क्या फायदा, निकी को थोड़ी पता है कि हम उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं। निकी तो जहाँ चाहे सुसु कर सकती है, मैं तो फंस गया ना। वाह क्या कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा ट्रियो इतना शानदार है। ओए सनी आजा, हम सत्याग्रह कर रहे हैं। तू देगा हमारा साथ इस हक की लड़ाई में? जैसे 200 साल पहले गांधी जी और भगत सिंह ने समुद्र में लड़ाई करके चाइनीज फौज को भगाया। रोहन, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला? हाँ तो सनी, इस लड़ाई के लिए तैयार हो? हाँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं तैयार हूँ। चलो। एक मिनट, यहाँ आने से पहले तुम्हें कुछ चीजें लानी होगी, जैसे कि बिस्किट्स, आलू के पराठे, उसके साथ दही, और हाँ कॉमिक्स। पागल हो गया है क्या? हम सत्याग्रह कर रहे, घर नहीं बदल रहे। जा सनी, बाय। और हाँ, गुलाब जामुन मत भूलना, वो क्या ना, पुराना प्यार। अरे सनी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सत्याग्रह में भाग लेने जा रहा हूँ। आपका बेटा जो हूँ, हमेशा सच्चाई का साथ दूंगा। मैं वैसे ही सोच रहा था कि हम आइसक्रीम खाने चलें। मैं आपको तो गाड़ी में लूंगा। डॉली, चला क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट। बैटिंग मैं करूंगी। बैटिंग तुम क्यों करोगी? बैटिंग मैं करूंगा, ये प्लान मेरा था। बैटिंग मैं करूंगी। बैटिंग मत करो, बॉलिंग करो। देखो, पता नहीं सनी कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी भूख लग रही है। भूख की तो बात ही मत करो। इस क्रिकेट बैट में से मुझे तंदूरी चिकन की खुशबू आ रही है, खाने का दिल कर रहा है। खुशबू तो मुझे भी आ रही है। अच्छा तो ये बात है। आ जाओ, बना रहे हो तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, मटन सीख कबाब। पापा, हमें पता आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर पता है क्या, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये मैं खास तौर पे अपने परिवार के लिए बना रहा हूँ, उस परिवार के लिए जो जमीन पर है, उस परिवार के लिए नहीं जो आसमान पे जाके बैठ गया है। रोहन, ये मटन सीख कबाब बहुत स्वादिष्ट है, खाओगे? हाँ पापा, मैं खाऊंगा सीख कबाब। तो तुम मुझे ट्री हाउस दो, मैं तुम्हें कबाब दूंगा। पापा, हम सत्याग्रह पे हैं। ओह अफसोस, आप लोग सत्याग्रह पर हैं तो ठीक है, फिर आप वहीं से इसे देखिए, मैं जरा काम से जा रहा हूँ। मुझे देखना है कि वो चॉकलेट आइसक्रीम सनी ने फ्रिज में रखी है कि नहीं, क्योंकि अगर वो चॉकलेट आइसक्रीम पे गल गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना? मैं भूख से पागल हो रहा हूँ, कुछ करना पड़ेगा। अब मिलेगा चिकन टिक्का और सीख कबाब। बस लेफ्ट, राइट, सेंटर और ये बस। अब हम खाएंगे चिकन, और ये मेरा चिकन आ रहा है, हमारा चिकन आ रहा है। बस आ गया। ये क्या किया रोहन, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। लेकिन वो चिकन कितना हिल रहा था, और मैं थोड़ी ना कोई मछुआरा हूँ। अच्छा, लगता है यहाँ पर कोई मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हम जलबिन मछली, ठीक है, जिसे मछली खानी है वो मछली खाए। सानू की सादा ता तंदूरी चिकन तैयार हो गया। वाह क्या टंगड़ी है। वाह, मुझसे और सहन नहीं होता, मैं नीचे जा रहा हूँ। ओहो, हो गया सत्याग्रह। वैसे भी तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है, डरपोक। लड़ना सीखो, लड़ना। डियर मैन, पहले तुम बॉस बनना छोड़ दो, जब देखो हुकूमत चलाती रहती हो, बिल्कुल रानी साहिबा की तरह। रानी साहिबा? मैं हुकूमत चलाती हूँ? अगर तुमने दोबारा ये कहा ना, मैं तो तुम्हें that book. Rani Sahib wala hi chalega? ठीक है, okay. चुड़ैल कैसा रहेगा? चुड़ैल? नहीं. दफन जोगन मंगी डोगी चुड़ैल. दफन. रुक जाओ डाली. नहीं रोहन, और उसे मत गिराना. अगर तुम पास आई, तो ये प्यारी सी एलिस जलते हुए वंडरलैंड में गिर जाएगी. नहीं रोहन, तुम ऐसा नहीं करोगे ना? नहीं. हो ठीक है, मैं तुम्हें बैट देती हूँ. मुझे पहले एलिस दो. पहले बैट. एलिस. बैट. एलिस. Oh my baby. रोहन, रोहन, रोहन. ऊपर खींचो. तुम ये टीयर्स को छोड़ के जा रहे हो? नहीं जा रहा हूँ, मुझे ऊपर ही आना है. अब खींचो. क्या तुम मेरे साथ सत्याग्रह में हो? हाँ हूँ. खींचो. और एक और बात, अगले महीने तक मुझे जहाँ भी घूमने जाना हो, तुम एक ड्राइवर बन के ले जाओगे? हाँ हाँ हाँ, लेके जाऊंगा. अब ऊपर खींचो. मेरा मुंह तंदूरी चिकन बन गया है. हाँ, बचाने के लिए थैंक्स. कोई बात नहीं रोहन. एक मिनट, एक मिनट. तुम्हें इसलिए मुझे बचाना पड़ा क्योंकि तुम ही ने मुझे यहाँ से बाहर फेंका. हाँ, 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 बस, बस, बस. टाइम प्लीज रोहन. देखो, मैं और नहीं लड़ सकती. हम ये क्या कर रहे हैं? बच्चों की तरह लड़ रहे हैं. माँ ठीक ही कह रही थी. शायद हम यहाँ सिर्फ लड़ते ही रहते थे. हाँ, और इतने सालों बाद फिर हम यहाँ लड़ ही रहे हैं. ठीक है, नो लड़ाई झगड़ा. अब जल्दी से इस ट्री हाउस को बचाते हैं ताकि इस ट्री हाउस से बाहर निकल सके. ये दोनों तो अभी भी पेड़ में घुसे हुए हैं. तुमने तो कहा था कि बस अभी जल्दी बाहर आ जाएंगे. उम्मीद तो यही थी. अब नहीं आए, क्या पता था. चिकन में कांटा क्यों भाई? चिकन को क्या फिशिंग रॉड से पकड़ता है क्या? कांटा निकाल के खाओ. वैसे जरा सोचो जी, आज पहली बार रोहन और डॉली किसी एक चीज में साथ साथ है. कितना अच्छा लग रहा है ना. बस चाहे वो ट्री हाउस को बचाने के लिए क्यों ना हो. हिमानी, तुम मेरी तरफ हो कि दुश्मनों की तरफ? दुश्मन? ये क्या असली की कोई जंग हो रही है? हाँ, ये असली जंग ही है. और अब बच्चों को पता चलेगा कि पापा से पंगा लेने का अंजाम कितना बुरा होता है. सनी, तुम जाके वो वाटर बलून तैयार करो. इस किस्से को खत्म करके ही दम लूंगा. ठीक है सनी, चुपचाप बैठे रहो. सनी, मैंने तुमसे कुछ कहा? सनी, चुपचाप बैठो. सॉरी बाबा, लेकिन मैं मम्मी से ज्यादा डरता हूँ. ठीक है, अब अवतार सिंह ये जंग अकेला ही लड़ेगा. अकेला. वैसे सनी बेटा, तुम सच में मुझसे डरते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा. गुड बॉय. मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, नीचे आ जाओ. अच्छा, नहीं मतलब तुम चाहते हो कि मैं ये करूं? ठीक ठीक. अरे मेरी बात. हिमानी, तुम वहां क्या कर रही हो? मैं भी बच्चों के साथ हूँ. बच्चे सही कह रहे हैं, हम ये ट्री हाउस को तोड़ने नहीं देंगे. हम हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे. पर हिमानी, हुकूमत तो हम दोनों की ही है. अरे अवतार जी, ओ भाई, ये क्या शोर वोर हो रहा है? अरे रोली आंटी, आप अभी अपने घर जाइए. अभी कोई बात नहीं करूंगा मैं. ये हमारा घरेलू मामला. नहीं, वो सब तो ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपकी ना अपने घर में कोई चलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है आपको. है तो कैसे मर्द आदमी हो भाई आप? अरे मैं उतार लूंगा ना आंटी, आप जाइए ना प्लीज. वो क्या है ना, मेरा डॉगी आजकल थोड़ा अकेलापन महसूस कर रहा है. तो मैं रंगड़ा डालूं उसके सामने? उसकी कोई जरूरत नहीं है. क्या मैं सोच रही हूँ कि भी उसकी कंपनी के लिए अगर मैं एक फीमेल डॉगी ले आऊं. अच्छा, मतलब आप धमकी दे रही है मुझे? नहीं नहीं नहीं, धमकी नहीं दे रही. मैं ये सोच रही हूँ कि भाई उसके आने से घर में 5-6 पिल्ले शिल्ले हो जाएंगे ना, कर देंगे. हुई ना ये मर्दा वाली बात है. बस अब अपने घर में जाके बता देना इस घर का मालिक कौन है और किसका ऑर्डर चलेगा. तैयार हो जाओ, पापा आ रहे हैं। एक मिनट, शांति। संभाल के हाँ, दुश्मन की चाल हो सकती है। इसमें कोई चाल नहीं है। अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ और तुम्हारे साथ मिलकर अपने हक के लिए लड़ूंगा। रोली आंटी, भाड़ में जाओ आप और भाड़ में जाए आपका वो चूहे जैसा टाइगर। ये ट्री हाउस मेरा है, मेरे बच्चों का है और ये यहाँ से नहीं हटेगा। सही कहते थे बच्चों, मैं ही नहीं समझा। ये देखो निकी, हमने ट्री हाउस को बचा लिया। अब तुम भी इसमें खेल सकती हो जैसे हम खेलते हैं, है ना? क्या हम कभी एक साथ इस ट्री हाउस में आए हैं? सब कोई ठीक है ना? कुछ टूटा तो नहीं? आउच! निकी कहाँ है? निकी! मेरा बच्चा, माय बेबी, मेरा बच्चा। हाँ, ओए, ओ ये तो बहुत बुरा हुआ जी है। रोली आंटी, अब आप रात को अपने टाइगर को अपने घर के अंदर रखना। क्यों भाई? ओ नहीं, वो तो मेरा डॉगी है ही नहीं, वो तो मेरे फ्रेंड का है। और कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है, मैं उसे संभाल रही हूँ। मैंने सोचा चलो भाई चलो, मौके का थोड़ा सा फायदा ही उठा लिया जाए। नहीं सनी बेटा, गुब्बारा नहीं फेंकते, पाइप से पानी फेंकते हैं। ये क्या कर दिया भाई? आपके किए कराए पर पानी फेर दिया। देखो निकी, पापा हमारा ट्री हाउस फिर से बना रहे हैं। अब तुम भी इसमें एलिस के साथ खेल सकती हो जब इसका सर मिल जाए। एक और बात, जब तुम बड़े हो जाओ तो अपने ट्री हाउस में कभी लड़के मत लाना, क्योंकि अगर वो लड़के पापा की तरह मोटे हुए तो बेस्ट ऑफ लक निकी। पापा आप ये क्या कर रहे हो? अरे वो सनी बोलता है ना कि वो मुझसे ज्यादा अपनी मम्मी से डरता है। आज देखना, आज मैं उसे अच्छी तरह डराता हूँ। हाय पापा। हाय सनी, तूने होमवर्क किया? सॉरी मम्मी, मैं बस अभी करता हूँ।